इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के 10 पार्टियों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। यह मुलाकात जाति जनगणना की मांग को लेकर थी। जाति जनगणना की मांग को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी मांग गौर से सुनी है और उम्मीद है कि इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, सर प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, आप लोगों की मांग पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हम लोगों की बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। 10 पार्टियों के लोग आए, सब एक साथ आए, उन्होंने समय दिया और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने सुना है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात जब ध्यान पूर्वक सुने तो उस पर एक निर्णय लेंगे। दो बार आप लोग विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज चुके हैं, उसके बावजूद ये कुछ हो नहीं पाई, इस बार कुछ उम्मीद की? ये तो हम लोग प्रस्ताव तो भेजते ही हैं, लेकिन इसलिए तो फिर आकर के बात किए हैं, इसी को ध्यान में रख करके तो बात किए हैं ना कि अभी एक वक्तव्य आ गया था एक मंत्री का कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने वाला, इसलिए तो फिर से हम लोग सक्रिय होकर। कितनी उम्मीद है सर प्रधान, इस बार कितनी उम्मीद है, कब तक कुछ इस पर बात आगे बढ़े? इस पर तो हम लोगों ने अपनी बात रखी और जब ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना है तो निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो उनको है, लेंगे हम लोग। संसद में सरकार कह चुकी है कोई विचार है? संसद में सरकार कह चुकी है कि जातिगत जनगणना का भी कोई विचार, इसके बाद ही तो हम लोग आए हैं ना, तो उसके बाद जब आए हैं तो इस पर फिर तो उन्होंने ये तो नहीं किया, ये तो इसको सीधे नकारा तो नहीं है, सबकी बात सुनी, सबकी बात सुनी है, इस पर जब जरूर गौर करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। सवाल वोट का है, इसलिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबके सुर एक नजर आते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि भाई कौन ऐसे समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं और पाते हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के? नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। जब कभी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसके अनुसार 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है, तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तक फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। नीतीश सरकार में शामिल मुकेश सहनी को भी प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीद है। सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा होगा। जब हमारे यहाँ पे मानसून सत्र में बात रखा गया कि नहीं कराया जाएगा, इसलिए चर्चा उठा क्योंकि हम लोग बिहार में तो उम्मीद में थे कि ये चीज़ होना है और ये जब यहाँ से पता चला कि नहीं हो सकता है तो इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पटना दिल्ली आए हैं और हम लोगों ने अपनी अपनी बात को मजबूती से रखा, सभी पार्टी ने अपने अपनी बात को रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे अच्छा निर्णय लेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।